और अब बात करते हैं अयोध्या की, जहां रामनगरी का भव्य राम मंदिर दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार होगा। इससे पहले श्रद्धालुओं को सहजता से रामलला तक पहुंचने के लिए हवाई मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग की बेहतर सुविधाएं तैयार हो जाएंगी। इसको लेकर शासन ने सख्ती बढ़ा दी है। इसके बाद अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट को लेकर कमिश्नर नवदीप रिणवा ने साप्ताहिक बैठक में अधिकारियों के पेच कसे। उन्होंने कहा कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं देने के लिए सरकार काम कर रही है, चाहे वे सड़क मार्ग से आए, रेलवे बाहर से आए या फिर हवाई मार्ग से आए, उनकी सुविधाओं के लिए काम चल रहा है। बैठक के दौरान कमिश्नर ने कहा कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं देने के लिए सरकार काम कर रही है। श्रद्धालुओं को राम मंदिर तक पहुँचाने के लिए अच्छी व्यवस्था, अच्छी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें शहादतगंज से नया घाट तक लगभग 13 किलोमीटर 20 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने 700 करोड़ रुपए स्वीकृत भी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि रामलला के दर्शन के साथ साथ अन्य मंदिरों के दर्शन सुलभ कराने के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। रामनगरी के अंदर बिजली की व्यवस्था अच्छी बनाई जा रही है। अंडरग्राउंड बिजली के तार, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था व 24 घंटे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी बनाई जा रही है। रामनगरी में सीवर की भी व्यवस्था अच्छी बनाई जा रही है। पर्यटन की दृष्टि से रामनगरी के अन्य धार्मिक स्थलों का भी विकास किया जा रहा है। अयोध्या के धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए सारे विकास कार्य किए जा रहे हैं। रामलला के दर्शन के लिए 3 मार्ग बनाए जा रहे हैं, जिसमें राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ है, जिसके कार्य जल्द शुरू हो जाएंगे ताकि श्रद्धालु रामलला के सुलभ पूर्ण दर्शन कर सकें। आइए दिखाते हैं विराट 24 न्यूज के अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। देखिए, उसमें जो आगे का एक विजन है अयोध्या का, इस प्रकार का है कि जो बाहर से हमारे जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, चाहे देश से, आसपास के ज़िलों से, विभिन्न प्रदेशों से या विभिन्न देशों से, उनको सबसे पहले तो यहाँ आने की सुविधा हो, चाहे वो अगर सड़क मार्ग से आए, रेलवे से आए या हवाई यात्रा करके आना चाहें, और उसके बाद यहाँ आने के बाद यहाँ की जो ट्रैफिक दुरुस्त हो, उसके लिए पार्किंग की पर्याप्त सुविधाएं हों, साफ़ सफाई अच्छी हो, लोगों को रहने के लिए यहाँ अच्छी जगह मिले, और श्री राम मंदिर का दर्शन करना, आसपास की और धार्मिक जगहों का दर्शन करने में उनको सुविधा हो, इस दृष्टि से यहाँ का काम हो रहा है। इसके साथ साथ रामनगरी के अंदर जो बिजली की व्यवस्था है, अंडरग्राउंड तार हों, 24 घंटे अच्छी बिजली मिले, पीने का 24 घंटे नल के माध्यम से शुद्ध पानी मिले, सीवरेज व्यवस्था बहुत अच्छी हो, और इसके अलावा जो अन्य श्रद्धालुओं के अलावा भी जो पर्यटक आते हैं, उनको जो पर्यटक से संबंधित यहाँ सुविधाएं हों, यहाँ के जो तीर्थ स्थल या अन्य स्थल जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उनको विकसित करें, वहाँ पर्यटन से संबंधित सुविधाओं का विकास करें, ये सारे हमारे इस विजन के अंदर शामिल हैं।